ओके लेट्स कंटिन्यू। तो हमने अभी पढ़ा कि हम सेवन एग्रीगेट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या क्या? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्रीगेट, दैट इज जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये थर्ड पॉइंट हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे नेशनल इनकम का डेफिनेशन था वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग एनएफआईए कैलकुलेटेड फॉर एन अकाउंटिंग ईयर, वैसे ही इसका भी डेफिनेशन हम डिराइव करेंगे। व्हाट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इस बार इंक्लूडिंग एनएफआई लिखना है क्या? इंक्लूडिंग एनएफआई नहीं लिखना, बिकॉज इट इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब हो गया भारत में, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। सो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी of a country, gross of depreciation, मतलब depreciation का value will be included. So value of all final economic goods and services produced within the domestic territory of a country, gross of depreciation in an accounting year. ये हो गया आपका GDP at factor cost. इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं? इट इज द समेशन ऑफ वैल्यू एडेड। क्या बोला? समेशन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मतलब क्या हुआ? वैल्यू एडेड मतलब हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो प्रोडक्शन हुआ, वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी समझाती हूँ। वैल्यू एडेड मतलब हुआ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट मतलब हुआ जो प्रोडक्शन हुआ, जो प्रोडक्ट आउटपुट में आया आपका मैन्युफैक्चर होके, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हुआ? जो इनपुट्स यूज हुआ है इन द प्रोडक्शन, जो भी हमने इनपुट्स यूज किए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज देयर इज अ फार्मर, फार्मर के पास वीट है, वीट फार्मर ने एक मिल में दिया। यू अंडरस्टैंड मिल? मिल क्या होता है? जो प्रोसेस करेगा वीट को, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू फ्लावर। तो वीट फार्मर ने दिया एट रुपीज 50, सपोज 50 पर केजी में वीट फार्मर ने दिया किसको? मिल को। मिल ने इसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करके क्या बनाया? फ्लावर बनाया, और फ्लावर दिया रुपीज 70 पर केजी में एक बेकर को। बेकर ने इस फ्लावर से क्या किया? ब्रेड बनाया। ब्रेड बना के दिया रुपीज 80 में एक रिटेलर को, ठीक है? और रिटेलर ने फाइनल कंज्यूमर को इस ब्रेड को सेल किया रुपीज 100 में, सपोज, ठीक है? तो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ? यहाँ पे आउटपुट ब्रेड है, तो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज रुपीज 100। ये आपने कैसे जाना? बिकॉज यहाँ पे मैंने 100 आपको स्पेसिफाई कर दिया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज रुपीज 100। नाउ इफ वी गो बाई द वैल्यू एडेड मेथड, हर एक स्टेज में कितना वैल्यू एड हुआ इन द प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्शन, अगर हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से जाएं, तो यहाँ पे कितनी स्टेज है? पहला स्टेज ये हो गया जब फार्मर ने वीट दिया मिल को, यहाँ पे वैल्यू एडेड क्या हुआ? 50, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ था ही नहीं, इनपुट कुछ था ही नहीं, डायरेक्टली आउटपुट मेंशन है रुपीज 50। मिल से जब फ्लावर बेकर को दिया, ये हमारा सेकेंड स्टेज हो गया, इसमें वैल्यू एडेड कितना है? 20, क्योंकि 50 रुपीज तो वीट का ही है, उसने एडिशनल वैल्यू एड कितने का किया? 20 का। व्हेन आई से वैल्यू एड किया मतलब क्या? उसने कुछ लेबर एम्प्लॉय किया, कुछ मशीन्स एम्प्लॉय करी, अपना टाइम दिया, अपना प्रॉफिट जोड़ा, और फाइनली वैल्यू कितना आया? 70, ठीक है? तो 70 माइनस 50 इज 20, द वैल्यू एडेड इन दिस स्टेज इज रुपीज
20। जब बेकर ने रिटेलर को ब्रेड दिया तो वैल्यू एडेड कितना है यहाँ पे? 10। 80 क्यों नहीं है? व्हाई नॉट 80? 80 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूज हुआ है रुपीज 70 का। आपने कितना कंट्रीब्यूट किया टू द ब्रेड? ओनली रुपीज 10 का वैल्यू आपने ऐड किया, बाकी तो आपको पहले स्टेज से फ्लो होके आया था। ठीक है, आप कॉस्ट में एक चैप्टर पढ़ोगे प्रोसेस कॉस्टिंग का। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं प्रोडक्शन स्टेज में, प्रोसेस ए बी सी। ठीक है, तो हर प्रोसेस का जो आउटपुट है, जैसे प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी में जाएगा, तो प्रोसेस बी के लिए प्रोसेस ए का आउटपुट क्या हो गया? एक इनपुट हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, तो वो आप माइनस कर दोगे उसके आउटपुट से। सेम कॉन्सेप्ट इज ये ऑल्सो। तो थर्ड स्टेज में कितना वैल्यू ऐड हुआ? रुपीज 10 का। एंड फाइनल स्टेज में जब रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया तो कितना वैल्यू ऐड हुआ? रुपीज 20 का। तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? टोटल 100, जो हमने पहले भी देखा 100 था। सो व्हाट इज वैल्यू एडेड? इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज द यूज ऑफ इनपुट्स। जितने इनपुट्स यूज किए उसको माइनस कर देंगे। नाउ व्हाई आर वी सब्ट्रैक्टिंग दिस इंटरमीडिएट कंजम्पशन? व्हाई नॉट 50 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 100? ये क्यों नहीं कर रहे हैं? डबल काउंटिंग हो जाएगा। टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी आर रिड्यूसिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यू आर अंडरस्टैंडिंग डबल काउंटिंग कैसे होगा? 70 में 50 भी तो इंक्लूडेड है ना, तो 50 तो दो बार आ जाएगा। वैसे 80 में 70 इंक्लूडेड है, 70 के अंदर 50 था, 80 में 70 इंक्लूडेड है। तो टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी आर सब्ट्रैक्टिंग द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फाइन, सो हियर वी आर ओनली इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल मतलब क्या हुआ? फाइनल आउटपुट का जितना भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन था उसको हटा के वी आर ओनली इंक्लूडिंग द वैल्यू एडेड। आइदर यू एड द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इफ यू गो बाय द वैल्यू एडेड मेथड, एड द वैल्यू एडेड इन ईच स्टेज। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक मतलब क्या हुआ? देखो, एक्टिविटीज दो तरह की होती है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एनीथिंग दैट इज मार्केटेबल, एनीथिंग दैट इज मार्केटेबल, जो भी मार्केट में बेचा जा सके, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट मार्केटेबल, दे कैन नॉट बी एक्सचेंज इन द मार्केट प्लेस एट अ मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे क्लास करने आए, पैसा दे के आए कि फ्री में आए? ऑब्वियसली पैसा दे के आए। ठीक है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज यहाँ पे क्लास करने नहीं आते हैं, आपके कोई भैया दीदी सीनियर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा देते हैं फ्री में विदाउट टेकिंग एनी मनी। अगर आपका फैमिली है तो ऑब्वियसली भैया भैया दीदी आपसे पैसा नहीं लेंगे, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, बट क्या आपके फ्रेंड को भी फ्री में पढ़ाएंगे? नहीं। सो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट कैन नॉट बी एक्सचेंज इन द मार्केट प्लेस एट अ मार्केट प्राइस। सो व्हाट डू आई मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? एनीथिंग दैट इज मार्केटेबल। मार्केटेबल मतलब हो गया इट कैन बी एक्सचेंज्ड इन द मार्केट एट अ मार्केट प्राइस। मम्मी घर में खाना बना रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई हेल्पर घर में खाना बना रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज वी आर पेइंग देम टू कुक फूड फॉर अस, राइट? सो दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन ऑफ कार्स, इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक। ठीक है, आई एम ड्राइविंग अ कार आउट ऑफ माई पैशन, नॉन इकोनॉमिक। हॉबी के लिए मैं गिटार प्ले करती हूँ, नॉन इकोनॉमिक की इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक। क्लब में जाके मैं कोई गिटार प्ले कर रही हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। जीडीपी में क्या आएगा? इकोनॉमिक। जीडीपी में नॉन इकोनॉमिक आ भी नहीं सकते हैं। मम्मी खाना बना रही है, उसका इंप्यूटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। फाइन, सो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज समझ आया? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑलरेडी अंडरस्टूड,
ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अंडरस्टूड, इन एन अकाउंटिंग पीरियड ऑलरेडी अंडरस्टूड, ठीक है. इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट होता है. इसका भी बता देती हूँ आपको फ्लो कॉन्सेप्ट. जो मैं बोली इट इज कैलकुलेटेड फॉर एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब इट इज कैलकुलेटेड पर टाइम पीरियड, पर टाइम पीरियड. 2020 का अगर नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट होगा 2020 का, तो सिर्फ वो प्रोडक्शन इंक्लूड करेंगे, प्रोडक्शन इन द ईयर 2020, दैट इज 2019-20. प्रोडक्शन जो 2019-20 में हुआ था वो इंक्लूड करेंगे, सेल्स नहीं. ठीक है, सेल्स क्या होता है? सेल्स आपका हो गया करंट ईयर का प्रोडक्शन प्लस जो ओपनिंग स्टॉक था. ओपनिंग स्टॉक से भी तो बेचेंगे ना, और उसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, दिस इज योर सेल्स. बट वी डोंट हैव टू इंक्लूड सेल्स, वी हैव टू इंक्लूड प्रोडक्शन, बिकॉज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्शन से लिंक कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट को. सो वी हैव टू इंक्लूड ओनली द करेंट ईयर प्रोडक्शन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. वी हैव टू इंक्लूड ओनली द करेंट ईयर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. मतलब अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, तो उससे आप प्रोडक्शन निकालेंगे. प्रोडक्शन इज सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. सो वी हैव टू इंक्लूड ओनली द प्रोडक्शन ऑफ द करेंट टाइम पीरियड. यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स, दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. कैपिटल गुड्स मतलब हो गया आपका प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट विच इज यूज इन प्रोडक्शन. उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाता है? बाई यूज ऑफ डेप्रिसिएशन. एंड आपका जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू कैसे इंक्लूड होता है? बाई वे ऑफ इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एंड नॉट द सेल्स. दो टाइप ऑफ गुड्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्लियर? फ्लो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये लिख लो वैल्यू एडेड. कहाँ लिखोगे आप? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में जो साइड में डायरी है उसमें बस आप ये वैल्यू एडेड का इक्वेशन एंड एग्जाम्पल दोनों नोट कर लो. यस, वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो. आप लोग इसको वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो, इफ यू डोंट हैव स्पेस वर्टिकली ड्रॉ कर लो एंड वैल्यू एडेड निकाल लो. डन, एग्जाम्पल सबने ड्रॉ कर लिया वैल्यू एडेड का. देयर इज अ टर्म नोन एज ट्रांसफर पेमेंट्स. क्या? ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं? दे आर वन साइडेड पेमेंट्स. जैसे गवर्नमेंट पेंशन दे रहे हैं, पेंशन किस लिए दी जाती है? हमने सर्विस प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट को इन पास्ट, उसके लिए अभी हमें एज रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन गवर्नमेंट दे रही है. तो पेंशन ट्रांसफर पेमेंट हो गया बिकॉज इट इज अ वन साइडेड पेमेंट. गवर्नमेंट हमें पेंशन दे रही है बट अभी हम गवर्नमेंट को कुछ दे रहे हैं क्या?
या कंपनी हमें पेंशन दे रही है, रिटायरमेंट बेनिफिट दे रही है, हम कंपनी को कुछ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो अभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट सिर्फ वन साइडेड पेमेंट कर रही है, हम गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे हैं, राइट? सो ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी और नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूड करते इसको? सपोज मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, आप सब मेरे एम्प्लॉयज हो और रिटायर हो चुके हो, मैं आप सबको ग्रेचुएटी दे रही हूँ। ग्रेचुएटी समझते हो आप, एक और तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट है ये भी। जब रिटायर हो जाते हैं एम्प्लॉयज तो उनको ग्रेचुएटी दी जाती है फॉर देयर पास्ट सर्विसेज। अभी आप मुझे कुछ सर्विस दे रहे हो क्या? नहीं। आउट ऑफ माई प्रॉफिट्स, आउट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट्स, द कंपनी इज पेइंग यू ट्रांसफर पेमेंट्स। तो कंपनी का प्रॉफिट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ना, वो ट्रांसफर जब कर रही है इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल लेवल पे भी आप उसको इंक्लूड कर लो तो अगेन डबल काउंटिंग हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। नॉन रिपोर्टेड आउटपुट या फिर इलीगल ट्रांजैक्शंस जितनी भी होती है, गैम्बलिंग वगैरह, क्या उसका वैल्यू इंक्लूड करेंगे जीडीपी में? उसका वैल्यू भी नहीं इंक्लूड करेंगे। एक तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, पता भी नहीं उसका वैल्यू क्या है, कितना वैल्यू वहां से जनरेट हो रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड द इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ द अंडरग्राउंड इकोनॉमी इन द नेशनल इनकम और जीडीपी। क्लियर? एक बार आओ बुक में। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 and 8। 5, 6, 7, 8। देखो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स, नॉट द फैक्टर कॉस्ट, द मार्केट वैल्यू। ठीक है, रीड इट वंस, क्वेश्चन 5 से लेके 8 तक। ये 4 क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद एक केस स्टडी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? अच्छे से पढ़ लो इसको। आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे तो आपको इस आइकन के साथ सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ये ऐसे हाईलाइट क्यों किए हुए? क्योंकि एग्जाम में आपको भी एग्जाम्पल को अलग से हाईलाइट करना है। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट पूछे जिसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो यू राइट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू गिव वन एग्जाम्पल, से मैनुफैक्चरिंग ऑफ कार्स, क्लोथ्स, शूज, दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया? कुकिंग फूड एट होम और समवन प्लेइंग अ गिटार फॉर देर एज देर हॉबी, ठीक है, पैशन के लिए कुछ कर रहे हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एग्जाम्पल आपको भी एग्जाम में अलग से हाईलाइट करना है, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल। यहाँ पे वो फ्लावर और बेकर वाले ही एग्जाम्पल दिया है, तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं।
क्वेश्चन 7 के पास में आके लिखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज इक्वल टू मार्केटेबल, यानी कि एक्सचेंजेबल इन मार्केट एट अ मार्केट प्राइस. इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज इक्वल टू मार्केटेबल, दैट इज एक्सचेंजेबल इन मार्केट एट अ मार्केट प्राइस. और नॉन इकोनॉमिक क्या हो गया? नॉन मार्केटेबल, नॉट एक्सचेंजेबल इन द मार्केट एट अ मार्केट प्राइस. डन. क्वेश्चन 8, फ्लो कॉन्सेप्ट के पास 3 पॉइंट्स लिखो. फ्लो कॉन्सेप्ट फर्स्ट, इट इज पर टाइम पीरियड, कैलकुलेटेड पर टाइम पीरियड. करंट ईयर प्रोडक्शन टू बी इंक्लूडेड. करंट ईयर प्रोडक्शन बी इंक्लूडेड. टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. अच्छा, जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह ट्रेड होते हैं, समझते हो आप, स्टॉक मार्केट में शेयर्स सेल होते हैं, बाई होते हैं, उनकी वैल्यू क्या जीडीपी में आएगी? क्या नहीं आएगी? क्योंकि वो करंट पीरियड से रिलेट नहीं करे ना. उन कंपनीज के प्रोडक्शन को हम इंक्लूड करते हैं, बट शेयर की सेल परचेज को नहीं इंक्लूड करते हैं. शेयर की परचेज सेल में ब्रोकर्स को ब्रोकरेज दी जाती है, क्या वो ब्रोकरेज इंक्लूड होगी जीडीपी में? यस, दैट ब्रोकरेज का वैल्यू विल बी इंक्लूडेड बिकॉज वो करंट ईयर ट्रांजेक्शन के लिए उनको ब्रोकरेज दी जा रही है. राइट, सो ब्रोकरेज का वैल्यू विल बी इंक्लूडेड, बट द वैल्यू ऑफ द असेट, दैट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक और बॉन्ड और शेयर्स डिबेंचर्स, विल नॉट बी इंक्लूडेड. क्लियर हो गया सबका फ्लो कॉन्सेप्ट तक? तो अभी तक जितना पढ़ा उसका एक समरी क्वेश्चन नंबर 9 में है. फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम. फर्स्ट, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड. तो टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. फर्स्ट इज ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड. सेकंड इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन नॉट टू बी इंक्लूडेड. ऑफ कोर्स सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, दैट इज इट इज कैलकुलेटेड पर टाइम पीरियड. ओनली करंट ईयर प्रोडक्शन इज टेकन इन टू अकाउंट, इट इज अकाउंटेड फॉर. नेक्स्ट, इट इज it only includes economic activities, non economic activities are not to be included, non economic activities are to be excluded. चार points क्या हुए अभी तक? value of final economic goods and services to be considered, intermediate consumption not to be included, it is calculated per time period, that is it is a flow concept. fourth, it includes only economic activities, non economic activities not to be included. only production taken in the production boundary, प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब इलीगल ट्रांजैक्शन जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी, उसको नहीं इंक्लूड करना है. प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंक्लूड करना है. जो एसएनए के अंदर में आता है, एसएनए मतलब सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, उसके अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें जो जो क्लासिफिकेशन दिया है उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, दैट विल ओनली बी इंक्लूडेड. एंड लास्ट पॉइंट, टू टाइप्स ऑफ गुड्स आर टू बी कंसिडर्ड, कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एक बार 6 पॉइंट्स वापस बोलेंगे. आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन है, ये देख लो. 6 पॉइंट्स वापस से क्विकली. फर्स्ट, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन टू बी एक्सक्लूडेड, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट कैलकुलेटेड पर टाइम पीरियड, करंट ईयर प्रोडक्शन ओनली टू बी अकाउंटेड फॉर, ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टू बी इंक्लूडेड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टू बी एक्सक्लूडेड, प्रोडक्शन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, इलीगल ट्रांजेक्शन, नॉन रिपोर्टेड आउटपुट टू बी एक्सक्लूडेड. लास्ट वन,
टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फाइन, तो ये 9 क्वेश्चंस हो गया हमारा. अभी जो केस स्टडी मैं बोल रही थी आपको, केस स्टडी ये है इलेक्ट्रिसिटी. ये बेसिकली एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको कितना समझ आया इससे पता चल जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड टू अ स्टील प्लांट वर्थ रुपीज 10,000 crores, विल दिस बी इंक्लूडेड इन जीडीपी और नॉट? थिंक फॉर अ मोमेंट, कोई बोलेगा नहीं. विल दिस बी इंक्लूडेड इन जीडीपी और नॉट? इफ नॉट व्हाई? इफ यस व्हाई? रेज योर हैंड्स. बाकी लोग, अरे रेज योर हैंड्स, जिनको जिनको समझ आ गया रेज योर हैंड्स. इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड टू अ स्टील प्लांट वर्थ रुपीज 10,000 crores, विल दिस बी इंक्लूडेड इन जीडीपी और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी? इट विल बी इंक्लूडेड, मतलब आंसर यस है. कितने लोग को लगते हैं यस इट विल बी इंक्लूडेड? ओके, व्हाई डू यू थिंक इट विल बी इंक्लूडेड? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट विल नॉट बी इंक्लूडेड? Not be included. Why? Very good. It will not be included. Why? Because it is intermediate consumption. Steel plant से जो steel rods बनेंगे, जो TMT bars बनेगी, उसमें तो इस electricity का value in the form of overheads included होगा ना. So it is an intermediate consumption. So electricity जो sell हुई है, it is not a final output. Second question. अब ये सबका correct होगा. Electricity sold to a consumer ₹5,000, included or not? Yes, it is to be included. Why? Because it is sold to a final consumer, it is a final output. तो देखो product एक ही है, service एक ही है, electricity, but एक जगह include हो रही है, एक जगह नहीं include हो रही है. तो understanding आपको चाहिए कि ये intermediate consumption है कि final consumption, बस इतना ही. ठीक है, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का जो अभी लेटेस्ट आरटीपी है ना, नवंबर 19 का, नवंबर 19 आरटीपी इज नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक. ठीक है, बिकॉज दिस बुक वाज मेड बिफोर नवंबर 19 आरटीपी वाज रिलीज्ड, बट वी विल कवर नवंबर 19 आरटीपी एंटायरली इन द क्लास ओनली. तो ये एक क्वेश्चन था जो नवंबर 19 आरटीपी में आया था, केस स्टडी बेस्ड. क्लियर? तो कॉन्सेप्ट किस चीज का है यहाँ पे? डोमेस्टिक नेशनल का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट किसका है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट है. फाइन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, वेरी इंपॉर्टेंट. नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, एकदम सिंपल चीज है. सपोज आप लोग सीए बनने के बाद में एक स्टार्टअप खोलते हो, ट्रेंडिंग है ना आजकल स्टार्टअप, नया जमाना नई बात, स्टार्टअप खोल रहे हैं सीए बनने के बाद में. पहले साल में प्रोडक्शन किया 10,000 units का, सपोज एक प्रोडक्शन यूनिट ही आपने इस्टेब्लिश किया है. फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना किया? 10,000 units. इसका प्राइस था या वैल्यू थी ₹10 per unit. तो आउटपुट कितना हुआ? आउटपुट की वैल्यू इज ₹1,00,000. गुड. नेक्स्ट ईयर आपने फिर से 10,000 units प्रोड्यूस किया, तो ये बात थी 2019 की, ये बात है 2020 की. 10,000 units इन 2020, अगेन दिस टाइम प्राइस राइज टू ₹12 per unit. आउटपुट की वैल्यू कितनी हुई? ₹1.2 lakhs. आपको लग रहा है वाह, ग्रोथ अचीव हो गया, 1 lakh से 1.2 lakhs हो गया. क्या रियल टर्म्स में Did you achieve any growth? No. Why? Because output was constant. The number of units produced were same. क्या growth achieve कर लिया? Factory में last time भी तो 10,000 बनाया था, इस साल भी 10,000 बनाया. Price increase हो गया, वो तो market price बढ़ गया, तब आपका output की value जो है वो increase हो गई. ये तो market price को आपको thank करना चाहिए कि वो बढ़ गया. ये market price अगर 8 हो जाता तब क्या? 12 के जगह अगर ये 8 हो जाता तो
तब बोलते हैं डी ग्रोथ हो गया, बट डी ग्रोथ तभी भी नहीं हुआ, तब क्या हुआ आपका डिफ्लेशन की वजह से आपका आउटपुट की वैल्यू कम हो गई। यहाँ पे जब मैंने 12 किया, इन्फ्लेशन की वजह से आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज्ड, 20% इन्फ्लेशन हो गया प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्राइस में, इसलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्रीज्ड। सो इन रियल टर्म्स यू डिड नॉट अचीव एनी ग्रोथ। सेम इज द कॉन्सेप्ट विद जीडीपी। जीडीपी क्या है एक्चुअली? इट इज अ मेजर ऑफ प्रोडक्शन ना। प्रोडक्शन मतलब क्या? कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ इनटू द एवरेज प्राइस, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ इनटू द एवरेज प्राइस। अगर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एक कंट्री में सेम ही रहे, सालों साल सेम ही रहे, हर साल 10,000 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000 या सपोज 10 लाख यूनिट्स एवरी ईयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्राइसेस सिर्फ चेंज हो रहा है, तो क्या रियल टर्म्स में वो इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि आउटपुट तो कांस्टेंट ही है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। रियल जीडीपी इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, उसमें इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा दिया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड एट अ बेस ईयर्स प्राइस, एट अ बेस ईयर्स प्राइस, इसलिए इसको बोलते हैं जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। क्या बोलते हैं? जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। सपोज अगर मैं बात करूं 2020 का आउटपुट एट 2019 प्राइसेस, तो आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी? 2020 का आउटपुट इज 10,000 यूनिट, 2019 का प्राइसेस ₹10, तो 2020 का आउटपुट जीडीपी ऑफ 2020 मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस दैट इज 2019 प्राइसेस, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख, तो आउटपुट एक्चुअल में रियल टर्म्स में इंक्रीज ही नहीं हुआ, इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। इन्फ्लेशन, आपने इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया, ₹10 से ₹12 जो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ा था उसका इफेक्ट हटा दिया, क्योंकि हम बेस ईयर को कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर? रियल जीडीपी समझ में आया? इट इज कैलकुलेटेड एट अ बेस ईयर्स प्राइस, मतलब एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर ऑफ जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया? जीडीपी विच इज मेजर्ड एट करेंट ईयर प्राइस, मतलब 2019 का नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ? 2019 का नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ? 1 लाख। रियल जीडीपी ऑल्सो 1 लाख, नॉमिनल जीडीपी ऑल्सो 1 लाख। 2020 का नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ? 1.2 लाख, 1,20,000। रियल जीडीपी क्या हुआ? 1 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया? कौन सा मेजर ज्यादा इफेक्टिव लगता है एज इकोनॉमिस्ट? अगर सोचे तो रियल जीडीपी ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी अगर बदल रहा है, सपोज नॉमिनल जीडीपी एक ईयर में था 10,000 करोड़, नेक्स्ट ईयर में हो गया 12,000 करोड़, तो ये इंक्रीज वॉल्यूम के वजह से हुआ या प्राइस के वजह से? जरूरी है प्राइस के वजह से? किसी को पता ही नहीं चलेगा, राइट? हो सकता है वॉल्यूम बढ़ाओ, हो सकता है प्राइस बढ़ाओ, हो सकता है दोनों कुछ कुछ बढ़ा हो थोड़ा थोड़ा करके, उसका मल्टीप्लाइड इफेक्ट से 2,000 करोड़ और इंक्रीज हो गया हो। सो वी विल नॉट बी एबल टू नो वेदर आउटपुट इंक्रीज और वेदर इट वॉज ड्यू टू इन्फ्लेशन इफेक्ट। बट अगर रियल जी डी पी 10,000 करोड़ था एक साल में, दूसरे साल में 11,000 करोड़ हो गया, तो ये जो 1,000 करोड़ का इंक्रीज हुआ ये किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट और प्रोडक्शन, बिकॉज प्राइसेस तो कॉन्स्टेंट है, प्राइसेस तो बेस ईयर के ही प्राइस को लिया जा रहा है, इन्फ्लेशन तो कहीं आया ही नहीं पिक्चर में, राइट? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, रियल जी डी पी एंड नॉमिनल जी। एक बार बुक में आ जाओ। यहां आके लिखो रियल जीडीपी इज जीडीपी मेजर्ड एट बेस ईयर्स प्राइसेस। जीडीपी मेजर्ड एट बेस ईयर्स प्राइसेस। इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर। जीडीपी मेजर एट बेस ईयर्स प्राइसेस, इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर, ऑल्सो नोन एज
जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज रियल जीडीपी तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज रियल जीडीपी तो क्या लिखेंगे, जीडीपी मेजर्ड एट बेस ईयर्स प्राइस, बट ये नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे जीडीपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन मेजर्ड एट बेस ईयर्स प्राइस इज रियल जीडीपी, क्योंकि उनको नहीं पता है जीडीपी क्या है, एग्जामिनर जो उसको जीडीपी नहीं पता, आप सीधा रियल में चले गए, पहले जीडीपी और रियल दोनों को साथ में एक्सप्लेन करना, ठीक है क्लियर। नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड एट करेंट ईयर प्राइसेस, ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, एक और पॉइंट लिखो यहां पे, चेंज इन रियल जीडीपी, चेंज इन रियल जीडीपी इज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन नॉमिनल जीडीपी माइट बी ड्यू टू चेंज इन आउटपुट और चेंज इन prices or both, change in real GDP is due to change in output, change in nominal GDP is due to change in output or change in prices or a combination of both. हो गया, अभी एक बार ये एग्जाम्पल देखते हैं, बुक में आ जाओ, ये लिख लिया सबने इतना, सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सपोज दैट द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मोबाइल फोन मेकर, इकोनॉमी में सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है जो मोबाइल फोन्स बनाता है, ठीक है, इन 2018 30,000 फोन्स आर प्रोड्यूस्ड विद एन एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000, तो जीडीपी ऑफ 2018 क्या हो गया, 30,000 इंटू 20,000 दैट इज 60,000 क्रोर्स, जीडीपी इन 2018 वुड बी 60,000 क्रोर्स, इकोनॉमिस्ट डिफाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एट करंट प्राइसेस एज नॉमिनल जीडीपी, तो ये 2018 का क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी एज वेल एज रियल जीडीपी, क्योंकि बेस ईयर भी 2018 ही है, सपोज दैट इन 2019 अगेन 30,000 फोन्स आर प्रोड्यूस्ड बट दैट द एवरेज मार्केट प्राइस फॉर अ फोन इंक्रीजेस बाय 5% टू रुपीज 21,000, इस बार नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा, 63,000 63 इवन दो नो मोर फोन्स वर प्रोड्यूस्ड इन 2019 दैन इन 2018, प्रोडक्शन दोनों ईयर में 30,000 ही था, इट अपियर्स दैट द इकोनॉमी ग्रू बाई 5%, बट ये 5% ग्रोथ कहां से आई, बिकॉज ऑफ 5% इन्फ्लेशन से, बिकॉज ऑफ 5% इन्फ्लेशन, सो नॉमिनल एंड रियल जीडीपी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नॉमिनल जीडीपी इज पीटी, मतलब टीएथ ईयर का अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो प्राइसेस इन द टीएथ ईयर एंड क्वांटिटी इन द टीएथ ईयर, वेयर प्राइस पीटी इज प्राइसेस इन ईयर टी एंड क्यूटी इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन ईयर टी, और रियल जीडीपी अगर ईयर टी का निकालना है तो प्राइसेस लेंगे बेस ईयर का, पीबी प्राइसेस इन द बेस ईयर एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द टीएथ ईयर, क्लियर, तो यहां से अगर निकाले तो नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2018 क्या हुआ, 2018 का प्राइसेस 2018 का क्वांटिटी, रियल जीडीपी ऑफ 2018
2018 का prices, क्योंकि base year भी 2018 ही है, prices of base year लेते, but base year is also 2018 into quantity. Similarly, nominal GDP and real GDP. तो एग्जाम में कैलकुलेशन भी आ सकते हैं, सम भी आ सकता है, इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. कॉन्सेप्ट क्लियर है? चेंज इन, बोलिए. हाँ, टी इज करंट ईयर लिखा है ना यहाँ पे, प्राइसेस इन ईयर टी. ईयर टी मतलब आपका करंट ईयर हो गया, जिस ईयर की भी बात आप कर रहे हो, नॉट नेसेसरली करंट ईयर, जिस ईयर का कैलकुलेशन हो रहे हैं. चेंज इन नॉमिनल जीडीपी इज ड्यू टू चेंज इन, चेंज इन नॉमिनल जीडीपी इज ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस और आउटपुट और बोथ. चेंज इन रियल जीडीपी इज ऑलवेज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट. प्राइसेस आर कॉन्स्टेंट ऑफ द बेस ईयर ओनली. तो अगर डिफरेंस आए रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में तो क्या क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे डिफरेंस के लिए, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले मीनिंग लिखेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे एंड देन चेंज क्यों होता है दोनों में, फाइनली गिव एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल आप इक्वेशन के साथ भी दे सकते हो, नॉट एन इशू. डन, समझ आ गया नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी. यहां पे जीडीपी वाला टॉपिक खत्म हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब ये आप लोग डिराइव करो, क्या है ये ग्रॉस, बिना बुक देखे, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस. डेफिनेशन क्या होगा? वैल्यू, वैल्यू की मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग NFIA, क्योंकि यहां पे किसकी बात हो रही है, नेशनल की. सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP इज दैट इन GNP वी इंक्लूड द नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इन एन अकाउंटिंग ईयर ऑफकोर्स. ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लिखें GNP एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP डैश प्लस NFIA. एंड वॉट इज NFIA? NFIA इज फैक्टर इनकम्स अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स मेड अब्रॉड. क्लियर? देखो यही लिखा है यहाँ पे, रीड कर लो इस क्वेश्चन को. क्लियर? इजी लग रहा है? डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, समझ आ गया आपको? फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज हमेशा रहेगा, वैल्यू मार्केट वैल्यू रहेगी या सिर्फ वैल्यू, डिपेंड करता है मार्केट प्राइस है कि फैक्टर कॉस्ट है. विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अब इंक्लूड NFIA को करना है या नहीं करना है डिपेंड्स कि डोमेस्टिक है कि नेशनल है. एंड इन एन अकाउंटिंग ईयर विल ऑलवेज बी देयर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. ठीक है, यहाँ पे लिख लो डोमेस्टिक इज इक्वल टू भारतीय, डोमेस्टिक इज इक्वल टू भारत में. देखो कितने लोग जग रहे, कितने लोग सो रहे हैं, ये अभी पता चल गया. डोमेस्टिक इज इक्वल टू भारत में एंड नेशनल इज इक्वल टू भारतीय. डोमेस्टिक में स्टारबक्स एंड चार्ली विल बी इंक्लूडेड, नेशनल में रिलायंस एंड श्यामलाल जो बाहर काम करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में विल बी इंक्लूडेड एंड स्टारबक्स एंड चार्ली विल नॉट बी इंक्लूडेड. डी मतलब डोमेस्टिक, एन मतलब नेशनल.
नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन सा हुआ, डोमेस्टिक की नेशनल? नॉर्मल रेसिडेंट्स सिटीजनशिप से रिलेटेड, इट इज नेशनल. ठीक है, डन. इसको रीड कर लेंगे आप सेल्फ रीड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जीडीपी, जीएनपी, नेक्स्ट क्या है एनडीपी. अभी सब कुछ मार्केट प्राइस पे ही चल रहा है, फैक्टर कॉस्ट अभी नहीं आया, मार्केट प्राइस पे चल रहा है. एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस, डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एनएफआई है, नॉट इंक्लूडिंग एनएफआई क्योंकि डोमेस्टिक है, सो नॉट इंक्लूडिंग एनएफआई है, इन एन अकाउंटिंग ईयर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो अगर इक्वेशन बनाना हो हमें तो नेक्स्ट पेज में देखो, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि एन को आपको जी को बनाना है एन, तो जी और एन में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का. तो ट्रिक क्या है, आपको फाइंड करना है कौन सा अल्फाबेट डिफरेंट है और उसके लिए कौन सी एडजस्टमेंट करनी होती है. अगर इसी को निकालना हो एनडीपी एट एमपी को एनएनपी से, तो एनएनपी और एनडीपी में क्या डिफरेंस है, एन और डी का एनएफआईए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है ना. नेक्स्ट ये खुद से सॉल्व करो आप, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस, पहले नेट और ग्रॉस को एडजस्ट करो, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, फिर एन को डी बनाने के लिए माइनस एनएफआईए. देखो मैंने बोला ना, एक अगर समझ आ गया जीडीपी तो बाकी सब बहुत ईजी है. क्वेश्चन 14, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इज दिस नेशनल इनकम, एनएनपी एट मार्केट प्राइस? नो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम. तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस का डेफिनेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग एनएफआईए नेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन एन अकाउंटिंग ईयर इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस. इसको कैलकुलेट करो, देखो जीएनपी से अगर निकालना होगा तो माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी से निकालना होगा तो दिस टाइम प्लस एनएफआईए. क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, नेशनल में एनएफआईए इंक्लूडेड होता है, डोमेस्टिक में नहीं होता है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा टू अराइव एट एनएनपी. एंड एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए की प्लस डेप्रिसिएशन. हाँ श्योर, प्लस एनएफआईए एंड माइनस डेप्रिसिएशन, डन. अच्छा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, देखो आपको ओरली करना है, लिखना कुछ भी नहीं है. जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज 10,000, एनएफआईए इज 2,000, डेप्रिसिएशन इज 100, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रुपीज 20. यू हैव टू कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस. आराम से लिखेंगे, पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे. सी वी हैव जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो एडजस्टमेंट जीडीपी में ही होगा. इसमें क्या करेंगे, पहले जी को बनाना है एन, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस, प्लस की माइनस श्योर, प्लस एनएफआईए. और मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस ही है, इसको बनाना नहीं है. अगर इसको फैक्टर कॉस्ट बनाना होता तब कुछ आईडीटी का करते, अभी आईडीटी का कुछ नहीं करेंगे. तो क्या हो गया, 10,000 माइनस 100 प्लस 11,900. ये अगर सॉल्व हो गया तो आपको अभी तक का आज का क्लास पूरा सफल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस. सो व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस इन थ्री पिलर्स, है ना. व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, इट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. एंड व्हाट इज मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑल्सो इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज.
सर्टेन प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस आर लेवीड. क्या बोला? प्रोडक्ट टैक्सेस एंड टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन. दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक है प्रोडक्ट टैक्सेस, दूसरा है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन. ये दोनों ही क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस है. तो ये दोनों टैक्सेस को हम इंक्लूड करते हैं इन द मार्केट प्राइस. मैम व्हाट इज प्रोडक्ट टैक्सेस? प्रोडक्ट टैक्सेस मतलब हो गया आपका जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट टैक्सेस. टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन क्या हो गया? कोई लाइसेंस लेना पड़ रहा है फॉर प्रोडक्शन, फैक्ट्री लाइसेंस कॉस्ट, ये हो गया टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन. क्योंकि दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्ट टैक्सेस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 10,000 पे, 20,000 किया तो 20,000 पे. बट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन. फैक्ट्री का लाइसेंस तो एक ही बार लेना है ना. तो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट टैक्सेस एंड टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन. यू हैव टू राइट द मीनिंग एंड ऑल्सो एग्जाम्पल. ये दोनों क्वेश्चन रीड कर लो, 15 and 16. देखो दो मार्क के लिए ना तो कुछ भी पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्सेस. अगर ये अलग से हाईलाइट यहां नहीं होता एज अ क्वेश्चन तो शायद आप इग्नोर कर देते इसको. नेशनल इनकम में कहीं पे भी प्रोडक्ट ऑन टैक्सेस, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन की बात ही नहीं हो रही है. यहाँ पे तो सीधा हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस के दो वेरिएशन हैं. क्लियर? इस क्वेश्चन को मार्क करके रखो आप. देखो व्हेन आई से इम्पोर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं है मैं कोई भविष्यवाणी कर रही हूँ कि एग्जाम में आएगा. इसका मतलब ये है कि अगर ये आप एग्जाम के पहले नहीं पढ़ के गए तो आपके लिए लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा. जीडीपी का डेफिनेशन अगर नहीं भी पढ़ो तो शायद आप लिख पाओगे, क्योंकि क्लास में इतनी बार बोल दिया. ठीक है, डन. टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्सेस. देखो आईडीटी जो है दो टाइप्स के हैं, एक हो गया प्रोडक्ट टैक्सेस, दूसरा हो गया टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन. जो प्रोडक्ट टैक्सेस है इट डायरेक्टली रिलेट्स टू क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन. जीएसटी पर यूनिट होता है कि पर फैक्ट्री होता है? एक फैक्ट्री का इतना जीएसटी कि एक पेन प्रोड्यूस करोगे तो इतना जीएसटी, दो करोगे तो डबल पर यूनिट. ठीक है, तो प्रोडक्ट टैक्सेस डायरेक्टली डिपेंड ऑन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन. जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट टैक्सेस इंक्रीज होगा. प्रोडक्शन टैक्सेस या टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन. जैसे प्रोडक्शन करने के लिए कोई एक लाइसेंस लेना पड़ रहा है तो लाइसेंस तो वन टाइम है ना, एक बार प्रोडक्शन करने के लिए हमें वो टैक्स या चार्ज को पे करना पड़ रहा है. अब 10,000 बनाओ, 20,000 बनाओ, 10,00,000 बनाओ, 10 करोड़ बनाओ, इट विल नॉट इंक्रीज. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज मार्क करके रखो क्वेश्चन 16 तक, आज इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 17. बट बिफोर दैट एक बार रिवाइज करेंगे आज पूरा शुरू से क्या क्या पढ़ा. ठीक है, सो वी स्टार्टेड विथ व्हाट इज नेशनल इनकम. एवरीवन विद मी, आपको भी बोलना है मेरे साथ. व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट. यानी कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इन एन अकाउंटिंग ईयर. ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम? व्हाई डू वी स्टडी नेशनल इनकम? फॉर इवैल्यूएटिंग द शॉर्ट रन परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर करने के लिए, टू फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड, फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए, और इनइक्वालिटी देखने के लिए कंट्री में इनइक्वालिटी है कि इक्वालिटी है, इंटरनेशनल कंपैरिजन को फैसिलिटेट करने के लिए नेशनल इनकम इज यूजफुल. राइट, देन वी स्टडीड एसएनए,
सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ये क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर कैलकुलेशन एंड असिमुलेशन ऑफ वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, उनको कैसे एनालाइज करना है, कैसे कंप्यूट करना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सात एग्रीगेट्स वील स्टडी, क्या क्या सात? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। देन द फर्स्ट एग्रीगेट वी स्टार्टेड विद वाज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस? मार्केट वैल्यू, नॉट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। वैल्यू एडेड मतलब क्या हो गया? वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डू वी इंक्लूड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन नेशनल इनकम? नो, वी ओनली इंक्लूड द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज और द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, या तो फाइनल आउटपुट या फिर वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। नेशनल इनकम और जीडीपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट और अ स्टॉक कॉन्सेप्ट? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो कॉन्सेप्ट? इट इज मेजर्ड पर टाइम पीरियड, यानी ओनली करेंट ईयर प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड। अगर लास्ट ईयर का कुछ स्टॉक है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, इस ईयर का कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया जो सेल नहीं हुआ दैट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है ओनली दैट विल बी इंक्लूडेड। इलीगल ट्रांजैक्शंस और अंडरग्राउंड इकोनॉमी प्रोडक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी? एक्सक्लूडेड। व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स? दीज आर वन साइडेड पेमेंट्स जो कि गवर्नमेंट या तो अपने जो एम्प्लॉयज है उनको दे रहा है या कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को दे रही है। दीज आर वन साइडेड पेमेंट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड करेंगे कि नॉन इकोनॉमिक को भी? ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर मार्केटेबल इन द इकोनॉमी, दैट इज दे कैन बी एक्सचेंज इन द मार्केट प्लेस फॉर अ मार्केट प्राइस। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ कार्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। Non-economic activities on the other hand, although they may produce goods and services, मम्मी घर पे खाना बना रही है तो खाना तो बन रहा है ना, एक सर्विस रेंडर हो रही है, बट क्या वो मार्केटेबल है इकोनॉमी में? नॉट मार्केटेबल। सो दीज आर नॉट मार्केटेबल, हेंस नॉट टू बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। उसके बाद हमने पढ़ा एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या हुआ? All things remaining the same with GDP, only this is net of depreciation, not gross of depreciation. GDP was gross of depreciation. Then GNP at market price, all things remaining same as GDP, this time only NFIA will be included. Domestic में हमने NFIA include नहीं किया था, right? उसके बाद NNP at market price, what is NNP at market price? Definition एक बार बोलो। NNP at market price, market value of all final economic goods and services produced within the domestic boundaries of a country including NFIA in an accounting year net of depreciation. ये हो गया आपका NNP at market price. What is the difference between factor cost? अच्छा, एक last question. Factor cost and market price में difference किसके वजह से होता है? Net indirect taxes, not indirect taxes, net indirect taxes which is equal to IDT minus subsidies. National and domestic में difference किसके वजह से होता है? National and domestic में difference is due to NFIA. Gross and net में difference किसके वजह से होता है? Due to depreciation. ठीक है, that's all for today. Thank you so much everyone. Have a great day.